उसी द्वारा जाति सूचक झूठा एफआईआर की शिकायत करने के साथ ही शराब के नशे में मोहल्ले वालों के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किए जाने से आक्रोशित वार्डवासियों ने दुर्ग कोतवाली थाने पहुंच के सुरक्षा की मांग। दुर्ग के वार्ड 1 पंचशील नगर की अनुसुईया यादव के पड़ोसी नारद महिलांगे के खिलाफ समस्त मोहल्ले वासियों ने अपना आक्रोश जताया, साथ ही आरोप लगाया कि जाति सूचक झूठा एफआईआर कर लोगों को शराब के नशे में गाली गलौज कर महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट कर वार्ड में दहशत का माहौल बना रखा है, जिससे परेशान होकर गुरुवार को बड़ी संख्या में पंचशील नगर के रहवासियों ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक सहित दुर्ग कोतवाली थाना में अपनी सुरक्षा की मांग की। गौरतलब है कि वार्ड की अनुसुईया बाई यादव ने बताया कि नशे की हालत में पड़ोसी नारद महिलांगे द्वारा मुझे टोनहीन तांत्रिक बोल आपत्तिजनक शब्द कहकर गंदी गालियां दे रहा था। जब मैंने विरोध किया तो वह मुझे मारने लगा। तभी घर में मौजूद मेरा छोटा बेटा बाहर आया और उसने मुझे बचाया। तब तक शराबी ने मेरे मुंह पर एक मुक्का मार दिया था जिससे खून आने लगा। दरवाजा में बैठे रहे है ना, और दरवाजा में बैठे हैं वो पी खा के ही एकदम सामने में ला के गाड़ी खड़ो कर, और खड़ो करे के बाद में एकदम हॉर्न बजा देखी इसे करके, फिर भी मैं ऊपर उठा के नहीं देखा है ना, अब पीछे करके खसकत रहे हैं और बेकर से फोन गोली करके अब खसकत रहे। मैं छोटे लड़का काम में जाए बन निकला थी इसे कहाँ ले, वो लड़का देखी तो हम गायती निकाली से अपन घर से गायती से मारे बता, तो गायती ले एक हाथ में ले और ओकर एक हाथ में मुँह परी से दाँत थी ना ये पीला थी पूरा दाँत ऐसे चलो, और बाबू के हमारे गला ऐसे पकड़ ले इसे एकदम इस घटना से सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवार ही नहीं बल्कि वार्ड के आसपास के नागरिक भी शराबी पड़ोसी के व्यवहार और उसके आदतन गाली गलौज और विशेष जातिगत धमकी से परेशान हैं। वार्ड में भय का ऐसा माहौल बना हुआ है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं पंचशील नगर में रहता हूँ, मैं वहीं हमारा घर बना हुआ है, तो अभी 2 साल हुए उसको आए नारद महिलांग जिसका नाम है, वो क्या है आसपास पूरा दहशत का माहौल व्याप्त कर दिए। वहाँ पे महिलाएं जैसे बैठी रहती है तो मतलब कुछ कमेंट ऐसे करते कि वहाँ बैठ नहीं पाते, बच्चे लोग को गोलियों से भून दूंगा ऐसा करके दहशत व्याप्त कर दिया है, बच्चे लोग खेलना बंद कर दिए, अभी 2-3 महीना हो गया खेलना ही बंद कर दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को निष्पक्ष न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं, हमें तो वही चाहिए और कुछ नहीं है भाई, हम लोग आम आदमी है सर और कुछ कोई बात नहीं है। 2020 में आया है उसको, वो, हाँ। वो कौन है, नाम क्या है? नारद महिलांग, नारद नाम है उसका, नारद महिलांग, नारद महिला नाम है उसका, महिलांग, और नहीं पता उसका ठीक से नाम, हम लोग को पड़ोसी है, वो जब से घर बनाना चालू किया है तब से सबको गाली गलौज, यहाँ तक कि अपने वर्कर लोग को भी गाली गलौज, एक लेडीज को वहीं वर्कर काम करती उसको भी गुलवारवर से मारने के लिए धमकी दे रहा था, वो भी बोली, और सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उनको भी गाली गलौज, और पूरे मोहल्ले को गोली से उड़ा दूंगा करके बोलता रहता है। तारीख की बात है, रिटायर्ड फौजी पंचशील नगर में अभी निवास कर रहे हैं, जो किसी भी लड़के को बच्चे लोगों को मारना चालू कर दिया, आसपास के लोगों को मारना चालू कर दिया है, और ये बोलता है कि मैं रिवॉल्वर है गोली मार दूंगा, इस टाइप से यहाँ के लोग बहुत भयभीत है, और एक तो इलाका संवेदनशील है, हम लोग ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई घटनाक्रम ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए सिटी कोतवाली आके पहले भी रिपोर्ट किए थे, लेकिन वो बहुत होशियार निकला और आज़ाद थाना जो एसटीएससी का है वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर दिया, तो रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से पेट्रोलिंग वाले जाके मोहल्ले वाले को उठा के लाने की प्रक्रिया चालू किए, तो मोहल्ले वाले बहुत आक्रोशित है इस काम से, ये अभी कलेक्टर महोदय को दिए हैं विज्ञप्ति, अभी दुर्ग सिटी कोतवाली में दे रहे हैं, आज़ाद थाना में एक बार और दे देते हैं, और उसको यहाँ थाने में बुला के मोहल्ले में रहना है तो अच्छे से रहे, सबसे प्रेम व्यवहार से रहे, यहाँ सब लोग सभी धर्म के लोग रहते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते, और उसको भी यहाँ रहना है तो अच्छे से रहे। ठीक, जिस तरह से दुर्ग के पंचशील वार्ड में शराब के नशे में आतंक फैलाने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे आक्रोशित वार्डवासियों ने थाने में पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग की है, वहीं नारद महिलांगे द्वारा भी अजाक थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस दिशा में किस तरह की निष्पक्ष कार्रवाई करती है, जिसकी मांग पंचशील नगर के वार्डवासी भी कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।